हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 1 जुलाई से जो आपका 11 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चला था, उसका कितना कट ऑफ जो है आपका रहने वाला है। और अगर आप इतने नंबर लाते हो दोस्तों, जिस भी कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो आपको जो है आगे की तैयारी शुरू कर देना चाहिए अगर आप इतने नंबर लाते हो तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो भी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और बगल में जो आपको एक बेल आइकन का भी बटन दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो है 100% सटीक नॉलेज दिया जाता है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, कि जब आपका एग्ज़ाम हो रहा था तो मैं आप लोग के लिए जो डेली क्वेश्चन के एनालिसिस लेकर आ रहा था, तो मुझे जो इस बार देखने को मिला दोस्तों, कि आपका जो प्रीवियस ईयर के जो कंपैरिजन में जो आपका इस बार का क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा टफ था, एज़ लाइक टू आप बोल सकते हैं दोस्तों, कि आपका जो है सीजीएल लेवल का जो है क्वेश्चन का लेवल आ रहा था। और बच्चे खुद बता रहे थे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में खुद बता रहे थे कि मैथ्स का जो पेपर आ रहा था वो बहुत ही टफ आ रहा था, ठीक है, लेंथी पेपर आ रहा था इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिला हो दोस्तों तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं एनालिसिस कर रहा था तो आप जाके जो वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका जो है प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ का आप ट्रेंड देख सकते हैं, जो आपका 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसका जो आप जनरल का कट ऑफ देख सकते हैं कि 119 गया था। फिर 2016 और 17 में जो आपका सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल का 127 गया था। उसके बाद 2017-18 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 143.5 गया था। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो ये कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहा है जनरल कैटेगरी का, या फिर कोई भी अन्य कैटेगरी का आप देख सकते हो। ओबीसी का आप देख सकते हो 110 गया था, 2015 में 120 गया था, 2016-17 में, ठीक है, और 139 गया था आपका जो है 2017-18 में। लेकिन मैं आपको इस बार बता रहा हूँ दोस्तों कि आपका जो इस बार कट ऑफ जाने वाला है वो इस ट्रेंड पे जाने वाला है, ठीक है। आपका जो कट ऑफ है इस ट्रेंड पे इस बार नहीं जाएगा, और मैं आपको 100% एक्यूरेट कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को जो एकदम लास्ट तक देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सर्वे करने के बाद जो है आपके लिए ये कट ऑफ लेकर आया हूँ। अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो दोस्तों, तो आप लाइक करना, एक लाइक तो आपका जरूर बनता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि सभी का जो है कट ऑफ आप कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो इस बार का कट ऑफ जो है ये क्या रहने वाला है। तो इस बार का जो आपका कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों, तो जनरल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 125 से 130 रहने वाला है, ठीक है। इसे के बीच में जो आपका वेरीज करेगा कट ऑफ, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। 125 से 130 तक ही जनरल कैंडिडेट्स का कट ऑफ जाने वाला है एसएससी सीएचएसएल का। बात करें दोस्तों कि ओबीसी का जो है कितना कट ऑफ रहने वाला है, तो देखिए 118 प्लस जो है ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है, या फिर 115 आप मान सकते हैं, अगर नीचे थोड़ा सा भी आप जाओ, लेकिन 115 प्लस रहने वाला है ओबीसी का, इससे नीचे आपका जो है नहीं जाएगा दोस्तों, आप ये मन में ठान लो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एससी कैंडिडेट्स का, तो एससी कैंडिडेट्स का जो है 105 प्लस जो है इस बार कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में जो आपका दोस्तों बहुत कम बच्चे ने जो है एग्ज़ाम दिया। पिछले ईयर क्या था कि 60% बच्चे जो है एग्ज़ाम दिए थे, और मैं आपको ऑफिशियली भी बताऊंगा, और इस बार का जो है आपका 44% बच्चे ही सिर्फ एग्ज़ाम देने आए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कितने बच्चे जो एग्ज़ाम देने आए थे। और बात करते हैं दोस्तों कि एसटी का क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो एसटी का जो आपका 95 प्लस जो है वो कट ऑफ रहने वाला है इस बार सीएचएसएल का एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि आपका जो है रिज़ल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियली आया था कि जो इस बार कैंडिडेट्स फॉर्म भरे थे वो 29 लाख के अप्रॉक्स भरे थे, ठीक है, जिसमें जो है एग्ज़ाम के लिए अपियर हुए थे बच्चे 13 लाख, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका जो है नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, मतलब कितने बच्चे जो है अटेंड किए थे एग्ज़ाम को, तो 44.37% मात्र बच्चे ही जो है इस एग्ज़ाम को जो है देने आए थे, जो कि प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है दोस्तों, ठीक है।
और आपका जो ये 25 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम चला था और आपका जो है रिज़ल्ट डेट भी अनाउंस कर दिया गया दोस्तों, 11 सितंबर को जो है आपका CHSL का रिज़ल्ट निकल जाएगा। तो आप जो है रिज़ल्ट अगर आपको देखना है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट या फिर कोई भी न्यूज़ आता है CHSL को लेकर तो मैं सबसे पहले आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।